वंदे मातरम ऑल द स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड रिसाइट एंड अंडरस्टैंड द पोएम द पीकॉक कंपोज्ड बाय सुजाता भट्ट. सुजाता भट्ट इज एन इंडियन पोएटेस हु एजुकेटेड इन यूएसए एंड आफ्टर दैट शी सेटल्ड इन जर्मनी. She wrote a collection of poems named Brunnigen, for which she got Commonwealth Poetry Prize. From the name of the poem, it is clear that the poetess composed this poem and picturized the bird Peacock. Now come to poem. His loud sharp call. His here means for peacock. तो peacock जो है उसकी जो आवाज है वो कैसी है? Loud, तेज. और कैसी है? Sharp. Sharp कहते तीखी को, piercing, कानों को भेदने वाली जो होती है. तो उसकी जो तेज तीखी जो आवाज है, पुकार जो है, call मतलब पुकारना. सीम्स वो प्रतीत होती है टू कम कि वो आ रही है. कहां से आ रही है? फ्रॉम नोवेयर. यानी ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा कि ये पक्षी तो दिखाई दे रहा हो और उसकी आवाज आ रही हो. पक्षी कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी उसकी आवाज आ रही है. देन उसके बाद अ फ्लैश. फ्लैश कहते हैं चमक को, शाइनिंग. एक चमक दिखाई देती है किसकी? ऑफ टर्कोइज. टर्कोइज का मतलब होता है ग्रीनिश ब्लू कलर, यानी ऐसा ब्लू कलर जिस जो ग्रीन कलर को यूज में लेते हुए दिखाई देता है. यानी उसमें ब्लू भी दिखाई दे रहा है और ग्रीन भी दिखाई दे रहा है. तो एक ग्रीनिश ब्लू कलर जो है उसकी चमक दिखाई देती है इन द पीपल ट्री. कहां पे दिखाई देती है? पीपल के पेड़ के अंदर. यानी पीपल का पेड़ है, उस पे ये पक्षी बैठा हुआ है द पीकॉक, और वहां पर उसकी चमक दिखाई देती है. द स्लेंडर. स्लेंडर मीन्स स्लिम, पतली. नेक उसकी जो गर्दन है वो पतली है. आज जो मुड़ी हुई है, झुकी हुई है. अवे फ्रॉम यू, किससे दूर? यू ये पोएटेस के लिए, कवि से दूर. कवित्री जो है उससे दूर. कवित्री जहां बैठी है उससे दूर की तरफ उसकी गर्दन झुकी हुई है. एज ही डिसेंडेंट्स, जैसे वो कम डाउन. डिसेंडेंट्स का अर्थ है नीचे उतरना. जैसे वो नीचे उतरता है तो उसकी गर्दन दूसरी तरफ मुड़ी हुई होती है. एंड एज ही डार्ट्स. डार्ट्स मीन्स मूव्स स्विफ्टली, तेजी से हलचल करना. तो जैसे वो तेजी से उधर उधर उतरने की कोशिश करता है, अ ग्लिम्स, तो उसकी एक झलक दिखाई देती है. ग्लिम्स का मतलब है झलक. तो उसकी एक झलक दिखाई देती है ऑफ द वेरिएंट. झलक कहाँ की दिखाई देती है? उस पक्षी के पीछे की. ऑफ हिज टेल, उसकी पूंछ की. टेल कहते हैं पूंछ को. यानी एक बर्ड है पीकॉक, वो बैठा हुआ है पीपल के पेड़ के ऊपर और कवित्री वहां पे है. तो कवित्री देखती है कि वो पहले तो उसको आवाज सुनाई देती है उसकी. जब वो देखती है तो वो पक्षी दिखाई नहीं देता, केवल उसको आवाज सुनाई देती है. जब वो पीपल के पेड़ के ऊपर देखती है तो वहां पे एक पक्षी की झलक दिखाई देती है. और वो झलक उसको कैसी दिखाई देती है? ग्रीनिश ब्लू की. यानी ब्लू कलर, ग्रीन कलर के साथ में ब्लू कलर के साथ उसकी झलक दिखाई देती है और वो पक्षी नीचे उतरता है तो उसकी पूंछ दिखाई देती है. आई वॉज टोल्ड, यहां पे जो पोएटिस है उसको कहा गया था दैट यू हैव टू सिट, कि वो बैठ जाए इन द वेरांडा, बरामदे में जाए और वहां बैठ जाए. एंड रीड अ बुक, वो जाकर क्या करे? एक किताब पढ़े. यानी दूसरी तरफ उसको कोई ध्यान नहीं देना है.
प्रीफरेबली, प्रीफरेबली का मतलब है यहां पर मोस्ट सुटेबल, जो उसके लिए उपयुक्त हो, वन ऑफ योर फेवरेट्स, उसकी जो पसंदीदा, फेवरेट्स का मतलब पसंदीदा, जो उसकी पसंदीदा जो किताब है वो कोई किताब ले और उनमें से कोई चैप्टर वगैरह पढ़ने का काम करे। विद ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, किसके साथ में? ध्यान के साथ में। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है ध्यान देना, कि उसको एकाग्र होके उस पोएम को या उस चैप्टर को पढ़ना है। द मोमेंट यू बिगिन टू लिव, लेकिन उसी क्षण जब वो शुरुआत करती है उस किताब को पढ़ने की, लिव इनसाइड द बुक, किताब के अंदर किताब को खोलती है उसको पढ़ने की, जैसे ही वो कोशिश करती है, अ ब्लू शैडो विल फॉल ओवर यू, तो वो देखती है कि एक ब्लू कलर की शैडो, एक नीली परछाई उसके ऊपर आकर पड़ती है। यानी उसने तो कॉन्सेंट्रेशन कर रखा था, पूरा ध्यान से किताब पढ़ रही थी, लेकिन वो ध्यान से नहीं पढ़ पाती है। द पिकॉक जो है, पक्षी जो है, उसकी छाया वहां पे पड़ती है, तो वो उसके प्रति आकर्षित हो जाती है।